हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एंड हियर आई एम बैक अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द टी वाई एंड हियर इज द वीडियो विच ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दैट इज एच आर एम जल्द से जल्द आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो भी मिलने वाला है तो थियरी सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि थियरी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा तो फिलहाल मैंने आज एच आर एम का एक वीडियो डाल रहा हूँ तो एच आर एम के वीडियो से आपको काफी सारे एच आर एम के कंसेप्ट जो है वो सेमिस्टर सिक्स के क्लियर हो पाएंगे तो दिस इज द पार्ट वन तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और एक भी सेशन आप मिस ना करो तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट वन तो क्वेश्चन नंबर वन इज ट्विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें हम एम्प्लॉज को एक्वायर करते हैं उनको डेवलप करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां से जब थियरी पेपर होता था तो बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता था अभी भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एच आर पी विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक ना एक एमसीक्यू यहां से बनने ही वाला है तो आप सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर रखें मैं ट्राई करूंगा कि हर सेशन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करूं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब देखो अगर हम ये ऑप्शन देखें तो बहुत ऑप्शन से आप कन्फ्यूज हो जाओगे जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब जॉब एनलार्जमेंट जॉब एनालिसिस ठीक है आप ध्यान रखना अभी जॉब एनालिसिस के सब कम्पोनेंट्स है जॉब एनालिसिस के सब कम्पोनेंट्स है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन तो तारा का सारा अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड तो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है जॉब एनालिसिस और जॉब एनालिसिस के अंदर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल जो भी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जो लोकेशन होगा वर्किंग आवर्स होंगे सैलरीज एंड इंसेंटिव्स होगा जॉब हेज़ार्ड्स होंगे वो सारे वहाँ पे कवर हो सकते हैं और अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशन स्किल्स एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ फिर जो उसका एम्प्लॉय का जो फिजिकल फिटनेस है वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवरअप होती है। वो सा वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवरअप होती है तो बेसिकली यही आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंगली एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर पेपर तो यहां से एमसीक्यू आपका बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द जॉब तो पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ से आप कलेक्ट करोगे दैट इज द मेथड कॉल्ड एज जॉब एनालिसिस नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज एक ऐसा प्रोसेस जो आप आपके ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करोगे उसको क्या बोला जाएगा काफी सिंपल है सिस्टमैटिक एचआरएम स्ट्रैटेजिक एचआरएम बिजनेस मैनेजमेंट या डायनेमिक एच आर एम तो इसको बोला जाएगा स्ट्रैटेजिक एच आर एम दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक एचआरएम पिक्स ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन और मोर जॉब्स द एग्जिस्टिंग टास्क ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वन और मोर जॉब्स टू दी एग्जिस्टिंग टास्क इसको क्या बोला जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा जॉब एनलार्जमेंट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉब एनलार्जमेंट देखो जॉब रोटेशन होता है जहां पे रोटेट किया जाता है मतलब एक बंदा जो आज एक पोजीशन पे बैठा है उसको दूसरे जगह पे लेके जाए जाएगा और उसके बाद फिर उसके जगह पे कोई दूसरा आएगा ताकि सभी लोग सभी काम सीख पाए फिर जॉब uh, डिजाइन के अंदर जॉब डिजाइन एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जॉब एनलार्जमेंट होता है जॉब सिम्प्लीफिकेशन होता है बहुत सारी चीजें हैं तो आप उसको पढ़ के रखें ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लेना बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो अगर आप एक की जॉब के अंदर वन और मोर जॉब्स को ऐड करोगे एग्जिस्टिंग टास्क के अंदर तो दैट विल बी कॉल्ड एज जॉब एनलार्जमेंट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज मार्केटिंग सिलेक्शन एडवर्टाइजिंग रिक्रूटमेंट आप लोगों को इंसिस्ट करोगे कि ये जॉब के लिए अप्लाई करो तो जो लोग या जो पर्सन उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो हमने क्या किया उनको स्टिम्यूलेट किया कि आप अप्लाई कर सकते हो तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है वो प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट और फिर उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट बंदा है जो हमको मैक्सिमम हमारे कंपनी को हेल्प करेगा तो बेस्ट पर्सन को हम सिलेक्ट करते बाकी सभी को रिजेक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड ए सिलेक्शन ठीक है तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर है रिक्रूटमेंट विच प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड हंटिंग ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको हम हेड हंटिंग भी बोलते हैं सिलेक्शन रिक्रूटमेंट जॉब डिजाइन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो हेड हंटिंग किसको बोला जाता है हेड हंटिंग बोला जाता है सिलेक्शन को तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्ट जो पॉइंट इज गिवन टू यू दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग देखो अभी ट्रेनिंग करने के दो टाइप के मेथड्स है एक है ऑन द जॉब दूसरा है ऑफ द जॉब ऑन द जॉब का मतलब होता है आप जॉब करते करते ही हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे ऑफ द जॉब का मतलब पहले हम उसको ट्रेनिंग पे भेजेंगे उसके बाद ही बाकी के सारे सिस्टम्स को मतलब बाकी के सारे एक्टिविटीज़ किए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स भी आप थोड़ा पढ़ के रखें बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है तो ऑप्शन आर अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग अंडर स्टडी वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग जॉब रोटेशन तो इसका राइट right आंसर है वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग इज ऑफ द जॉब बाकी सारे के सारे उसके ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है एक सिमिलर सिचुएशन और जो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है जैसे जो कंपनी है उसके उसमें जैसे काम होने है, वैसे की वैसे आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सिम्युलेशन एक्टिविटी सिम्युलेशन याद रखना जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट चलाता है तो उसको डायरेक्टली एयरक्राफ्ट चलाने नहीं देते पहले उसको थेरोटिकल बेस समझाते फिर उसको उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है एंड देन उसको फिर एयरक्राफ्ट चलाने मिलता है तो ऐसा वेस्टूबल ट्रेनिंग के पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं मतलब आर्टिफिशियल सिचुएशन के बेसिस पे सिमिलर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है वैसे के वैसे आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा वैसे ट्रेनिंग दिया तो क्वेश्चन नंबर एट में जाते हैं

और बोथ बी एंड सी तो याद रखना रैंकिंग मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है बार्स और 360 डिग्री एप्रोजल जो है वो हमारे मॉडर्न मेथड्स में कवर होते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा इसका राइट right आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा इसका राइट right आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी ठीक है तो अभी क्वेश्चन नंबर नाइन में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज विद दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज विदर्गेनाइजेशन टू फिलअप की पोजिशन इज कॉल्ड एस तो आंसर आप मैंने पहले डिस्प्ले कर दिया था तो so, इसका राइट right आंसर क्या है करियर प्लानिंग करियर डेवलपमेंट पोटेंशियल एप्रोजल या सक्सेशन प्लानिंग so, इसका राइट right आंसर है काफी इंपॉर्टेंट सक्सेशन प्लानिंग ठीक है तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर द प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन रिजॉल्विंग पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इज कॉल्ड एज तो जो पर्सनल लेवल पे गाइडेंस दिया जाता है जो पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयज के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसको क्या बोला जाता है काउंसलिंग मेंटरिंग करियर प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग तो उसको क्या बोला जाएगा वो बोला जाएगा मेंटरिंग टू डू रिमेंबर दिस उसको बोला जाएगा मेंटरिंग दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन तो अगले बार मिलेंगे कुछ नए एमसी के उसके साथ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर